रोमियो 10 उसकी 10 में लिखा, कहता धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है? विश्वास। और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। इसका मतलब, उद्धार का मतलब क्या है? हीलिंग। अगर मुझे हीलिंग चाहिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। डॉक्टर कुछ भी कहे, दर्द कुछ भी कहे, सिचुएशन कुछ भी कहे, अगर मेरे मुंह से अंगीकार निकला तो उद्धार होना लाजमी। इसका मतलब छुटकारे के लिए मुंह से क्या करना? अंगीकार। अगर आपका छुटकारा ये है, जैसे क्रिश्चियन लोगों कहे कि पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है? कितनी देर से चर्च आ रहे हैं? मैं जी पहले वहां जाता था, वहां मैं 10 साल से क्रिश्चियन हूं। अगर तेरे मुंह से ये निकला कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो दुनिया का कोई पास्टर यीशु मसीह तुझे आजाद नहीं कर सकता। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना? शैतान भी मुंह से क्या करवाता है? एक औरत से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, निकल नहीं रही थी। वो शैतान को पूछा, ए शैतान क्यों नहीं जा रहा तू? कहता है इसके बक्से में, इसके पेटी में मैं पड़ा हूं, मैं नहीं जा सकता। और पेटी में पुरानी फोटोएं संभाल के रखी हैं, यादों के रूप में, जिनमें शैतान की फोटोज थी। और अगर मुंह से यह निकला कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है जी, मेरी पुआ ने मेरे से टूना करता से जी, आपको कोई फ्री नहीं कर सकता, कोई भी। धार्मिकता के लिए मन से क्या करना? यह पहला स्टेप है। अगर तुम धर्मी बनना चाहते हो, जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करो, बपतिस्मा लो, हां पाप छोड़ दो, हां लंगर प्रसाद नहीं खाना, प्रभु में चलो। अगर धार्मिकता बनना है, धर्मी बनना है तो। पर कहता धर्मी होना तुम्हें छुड़ाता नहीं, तुम अच्छे हो तुम्हें छुड़ाता नहीं, तुम बड़े अच्छे हो, क्रिश्चियन हो, प्रभु में विश्वास करते हो, बैप्टाइज क्रिश्चियन हो, फिर भी तुम्हें छुड़ाता नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना? मेरा अंगीकार यह है कि शैतान अंदर तो दूर, वो तो भूल ही जाए ना, वो तो पत्ता ही खत्म हो गया, वो सामने भी नहीं आ सकता, उसकी आमीन। ये मेरा अंगीकार है भाई। इस दुनिया में जब तक यीशु मसीह आएंगे, तब तक एक भी दिन मैं टूटूंगा नहीं, ये मेरा अंगीकार है। एक भी दिन मैं गरीबी का नहीं देखूंगा, ये मेरा अंगीकार है। मैं जानता हूं ऐसा होगा। क्यों? उद्धार के लिए मुंह से। उद्धार का मतलब क्या? डिलीवरेंस, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रेस्क्यू, सेफ्टी, वेलफेयर, छुटकारा, आशीष, आत्मिक उद्धार, आत्मिक बचना, शारीरिक बचना, प्रोस्पेरिटी, पैसे में बचना। उद्धार का मतलब बड़ा है। यीशु मसीह को बक्से में बंद करने की कोशिश मत करो, वो बड़ा परमेश्वर है। जब शैमुअल में, पहले शैमुअल में जब शाऊल ने शब्द यूज किया उद्धार, तो उसने कहा टेशुआ, नेशनल डिलीवरेंस, नेशनल, देश बचाया जाएगा। उद्धार का मतलब इतना बड़ा है, लोगों ने छोटा सा कर दिया। और अपनी अज्ञानता भी इतनी चीखे मारते हैं, और मैं हंसता हूं कई बार कि पहले पढ़ तो लो। उद्धार जो बाइबल में इतना बड़ा है, जो नेशनल डिलीवरेंस की प्रभु बात कर रहा है, जो मेंटल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, जो फाइनेंशियल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, जो शैतान से डिलीवरेंस की बात कर रहा है, आत्मिक डिलीवरेंस की बात कर रहा है, शारीरिक डिलीवरेंस की बात कर रहा है, उसको तुमने छोटा सा कर दिया अपनी अज्ञानता से। कि अगर मुझसे हीलिंग नहीं हो रही, जो हीलिंग कर रहा है उससे मैं जेलसी कर रहा हूं, मेरे लोग कहीं उधर ना चले जाएं, इसलिए अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वाह, क्यों ऐसे इतना ड्रामा क्यों करना? इतना अगर जोर प्रभु में लगाया जाए तो कलीसिया अपने आप आएगी आपके पास। इतना जोर अगर प्रभु में लगाया जाए, आज सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने प्रेयर रूम में हूं। हां, मैंने आपको इनविटेशन तो नहीं दिया? चर्च भरा पड़ा है, कल भी भरा पड़ा था। हां, आप जब फीड दोगे, आप असली वर्ड समझाओगे,
आप बिना जेलसी के समझाओगे, रियल समझाओगे, लोग फ्री होंगे और आएंगे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा नेशनल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, वो सेफ्टी की बात कर रहा है, रेस्क्यू की बात कर रहा है। रेस्क्यू होता है जब बाढ़ आ जाए और रेस्क्यू करने जाते हैं, बाढ़ से रेस्क्यू मिशन चल रहा है, कहता मैं तुझे रेस्क्यू करूंगा, तेरे आसपास मौत होगी मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे आसपास कैंसर होगा, कहते तेरे निकट हजार तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। मैंने कहा तेरे निकट हजार तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हमारा परमेश्वर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं परमेश्वर नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी बात मत कर, डब्बे में चला जा और इतने सी सालवेशन देना, हमें और नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं, सबसे अधिक चर्चों को मैंने एस्टेब्लिश किया, क्योंकि वो ज्ञानी था, उसे मालूम था वर्ड क्या कहता है। आमीन। इसीलिए उसने बाइबल में लिखा, कहता तो मिथ्यूस जो मेरा आत्मिक बेटा है, जबकि यीशु मसीह ने कहा था किसी को अपना बाप, अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को अपना बाप ना कहे तो उसने ये क्यों कहा अपने बाप और मां का आदर कर। फिर अपने बाप को आज से ताया जी बोलना, तो डैडी वे को कस के दहूगा। पौलुस वचनों को जानता था। हाँ, कि अगर शरीर में नियम है कि बच्चे पैदा होते हैं, आत्मा में नियम है बच्चे पैदा होते हैं, और आत्मा में पहले होते हैं, शरीर बाद का नियम है। लेकिन जब नॉलेज नहीं होती और आप लोगों से ओपिनियन लेके कुछ बोलते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं है, सार गया तो हटा। फिर मुझे ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, क्या कुछ क्या है, मेरे को बाइबल आती है, मैं पढ़ता हूं बाइबल सारा दिन, यही काम करता हूं। हाँ, जब आप परमेश्वर को छोटे बक्से में डालने लगते हैं वो डलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा उनमिस जो मेरा आत्मिक बच्चा है, तो मिथ्यूस जो मेरा आत्मिक बच्चा है, और सुसमाचार के द्वारा मैं तेरा पिता हुआ, वो वचनों को जानता था वो। हालेलुया। उद्धार का मतलब बड़ा है, कहता मुंह से क्या करना, अंगीकार। अगर तू अंगीकार अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं समर्पित करता हूं सब कुछ जो मेरा है प्रभु यीशु मसीह को, कुछ नहीं रख छोड़ता अपने पास, मैं सब कुछ देता हूं अपने बनाने वाले को, जिसने मुझे रचा है, जिसने मेरे अंदर आत्मा डाला है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा सृजनहार है, जिसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, मेरे लिए जान दी है और मेरे लिए जी उठे हैं, मैं उसको सब कुछ देता हूं। हाथों को उठाओ और समर्पित करो सब कुछ